गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल माय क्लास टुडे। बेटा मोशन चैप्टर कर रहे थे हम, वी वर स्टडिंग मोशन चैप्टर। और मोशन में बेटा मैंने आपको जो वीडियोस वगैरह भेजी हैं, जो हमने डिस्कशन किया, किस चीज का कर चुके हैं हम डिस्कशन हम बेटा, कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, बेटा रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं किस चीज का। वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज आवर स्पीड, What is our velocity? Speed क्या है, velocity क्या है, difference क्या है हमारा speed और तो difference क्या है बेटा हमारा speed और velocity में ये कर चुके हैं हम। इसके बाद बेटा next topic आता है आपका average speed क्या है, हमारी average velocity क्या है, to calculate the average speed and velocity। ये सब बेटा आगे continue करने से पहले चीज चालू करता है, schools are going to open very soon, ठीक है। तो बेटा अगर स्कूल खुल जाएंगे अभी कुछ दिन के अंदर, ठीक है, तो इस चैप्टर की बेटा एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या, कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद बुक में। सेकंड इक्वेशन है बेटा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है बेटा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू टू ए। तो बेटा ये तीनों इक्वेशन मैं क्या करूंगा आपको बेटा, अभी स्कूल में बेटा ऑफलाइन क्लासेस में लगाऊंगा ये तीनों इक्वेशन आपको, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए। यानी कि ये तीनों इक्वेशन बेटा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा क्या है थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इक्वेशन में, ठीक है, अभी क्योंकि अभी समझा भी दूंगा तो फिर दोबारा स्कूल में कराना, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितनी बार हो चुका है बेटा उसको फिनिश करके क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का जो पार्ट बच जाएगा बेटा उसको क्या है ड्यूरिंग द ऑफलाइन क्लास इन स्कूल जो अभी खुलने वाली है आपको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीस के माइनस बीस के लिए कोशिश हुई है, ठीक है, और देखेंगे अगर पॉसिबल होता है तो इसकी वीडियो भी डिस्कस कर लेंगे हम फ्यूचर में, ठीक है। तो बेटा ये इक्वेशन है तो मैं डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे सिलेबस में। इसके अलावा बेटा क्या है, आपको मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन भेजे होंगे, आप लोगों ने क्या है कुछ क्वेश्चन नोटबुक में लिखे हुए होंगे, और आपने देखा होगा बेटा क्या वेलोसिटी के बेस पे, एक्सेलरेशन के बेस पे, वेलोसिटी के बेस पे, एक्सेलरेशन के बेस पे, एवरेज स्पीड के बेस पे, और एवरेज वेलोसिटी के बेस पे, और इन इक्वेशन के बेस पे क्या है न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो बेटा एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है चैप्टर में से, एक ही न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो टर्म हमने पहले डिस्कस किया वो सारे टर्म्स हमारी क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी को आप अच्छे से समझ चुके हो कि वेलोसिटी क्या है, जिसमें डायरेक्शन होती है, काफी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद बेटा एक और चीज समझ लो कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन किस तरह का होगा। तो बेटा हमारा यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन इस तरीके का होगा, जब भी बेटा कोई ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, जब उसमें क्या है इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है हमारा, कब इक्वल इंटरवल टाइम, यानी कि जब जब बेटा हमारा टाइम पीरियड चेंज होगा उसके साथ साथ क्या है बेटा हमारा उसी हिसाब से क्या है डिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मोशन। वो हमारा मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा या यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मोशन होगा। इसके बाद बेटा एक चीज आती है कौन सी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मोशन। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है हमारा, उस वैसा मोशन, द मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस चेंज ना हो जाए बेटा हमारा, कि वेर इक्वल डिस्टेंस डज नॉट चेंजेस, यानी कि डिस्टेंस ज्यादा हो टाइम कम हो, या टाइम ज्यादा हो डिस्टेंस कम हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा हो हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम चेंज तो क्या है बेटा अपने रेट से हो रहा है एक घंटा दो घंटा, ठीक है, मुझे एक घंटा लगा पानीपत जाने में, फिर एक घंटा लगा आगे जाकर कटरा जाने में, फिर एक घंटा लग रहा है मुझे आगे जाकर अंबाला जाने में, ठीक है, पर डिस्टेंस के साथ मेरे हर घंटे में बेटा सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब मुझे बेटा क्या है कि एक घंटे में सीधा मैं करनाल पहुंच जाऊं, ठीक है, यानी कि क्या है डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा है और टाइम कम है, ठीक है। जब अनइक्वल डिस्टेंस आ जाए हमारा इक्वल इंटरवल टाइम में तो वो मोशन कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यानी कि टाइम के साथ बेटा हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा,
तो ये चीज कंसिडर हो जाएगी हमारे किस्म में, यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में। इसके बाद बेटा है आपका क्या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा पढ़ा चुका हूं मैं आपको क्या, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एज जो a है हमारा एक्सेलरेशन वो क्या है v माइनस u, और चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड इज कॉल्ड एज h, यानी कि जो वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है बेटा पर सेकंड में उसे बोलते हैं हम क्या, एक्सेलरेशन। और v माइनस u अपॉन इक्वल्स टू a बोलते हैं, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, किसके बराबर है हमारे v माइनस u के, ठीक है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है, पढ़ा चुका हूं। तो इसी एक्सेलरेशन में बेटा क्या आ जाएगा आपका, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका, यानी कि द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन वो हो जाएगा जिसमें बेटा क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे बेटा आपका पिक्चर कॉन्स्टेंट मोशन में क्या था, डिस्टेंस इक्वल चेंज हो रहा था इक्वल इंटरवल टाइम में, तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद बेटा नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, कि अनइक्वल वेलोसिटी इज चेंजिंग इन इक्वल इंटरवल टाइम। तो ऐसे बेटा क्या है, आप इनको डिफाइन करो जिसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट मोशन को और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इन चीज को आप डिफाइन करोगे, डेफिनेशन सारी इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने बताया बेटा इस चैप्टर में क्या रह गया, इक्वेशन रह गए हैं, उनके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, देखो पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको स्कूल में डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो मैं उसको वीडियो पर कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और मैंने बेटा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भेजे थे आपको, आप उसको कर लेना बेटा, क्योंकि नोटबुक कंप्लीशन आपका टाइम पे रहेगा, तो स्कूल में हमारा टाइम बचेगा क्वेश्चन आंसर लिखवाने के लिए, वी विल सेव आवर टाइम इन राइटिंग द क्वेश्चन आंसर, ठीक है, हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये चीज है, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।